दो साल के लंबे अंतराल के बाद राजधानी भोपाल में शुक्रवार से आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। इज्तिमा को लेकर मुस्लिम धर्मावलंबियों में भी खासा उत्साह बना हुआ है। अविनाश लवानिया ने बताया कि इज्तिमा में अर्ज और जरूरतों को देखते हुए मीटिंग के माध्यम से भी जिला प्रशासन व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। मैं यही बताना चाहूँगा कि इज्तिमा को लेकर भोपाल में सभी प्रकार की तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई हैं। जो स्थल है वहाँ सभी प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े किए जाते हैं, जिसमें कि पानी की व्यवस्था, वजू की व्यवस्था, आपके टॉयलेट्स, हमारे जितने भी मार्ग हैं जो उस स्पॉट तक जाते हैं उन सबको दुरुस्त करने की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था, पार्किंग्स को लेवल करके गाड़ियों के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उसमें भी हाई मास्क लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार सभी व्यवस्थाएं जो है वो पूर्ण करनी है। इसके साथ ही साथ विभिन्न मीटिंग्स के माध्यम से सभी की ज़रूरतों का आकलन करते हुए किसी को भी आवागमन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस, जो फोर्थ डे होता है उस दिन सबसे ज़्यादा लोगों का आवागमन होता है, और उस दौरान शहर में किसी को कोई समस्या ना हो और जो लोग आ रहे हैं उनको भी कोई समस्या ना हो, इसके लिए एडिशनल बल डिप्लॉय करके हम लोग ट्रैफिक की व्यवस्था सुनिश्चित